सलमान खान की फिल्मों का हर किसी को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है। जहां इस साल सलूमिया ने फिल्म भारत के जरिए लोगों का दिल जीता, वहीं अब वो जल्द ही दबंग 3 के जरिए बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाले हैं। इस फिल्म के ना सिर्फ ट्रेलर ने लोगों को दीवाना किया हुआ है, बल्कि अब फिल्म के गाने भी रिलीज हो चुके हैं, जो लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। इस बीच फिल्म से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल सलमान खान की इस फिल्म में पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान के दो गानों को हटा दिया गया है। ये तो हर कोई जानता ही है कि इस साल की शुरुआत में बॉलीवुड कलाकारों और फिल्म निर्माता निर्देशकों ने मिलकर ये फैसला लिया था कि वो तब तक पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम नहीं करेंगे जब तक पुलवामा में आतंकवादी हमलों के बाद स्थिति में सुधार नहीं होता। वहीं अब राहत के गाने हटाने पर उनके प्रवक्ता सलमान अहमद ने एक इंटरव्यू में कहा कि सलमान खान फिल्म दबंग 3 के लिए रिकॉर्ड किए गए गाने को हटाकर केवल भारत की भावनाओं का पालन कर रहे हैं। राहत ने सलमान की हिट फ्रेंचाइजी दबंग सीरीज की तीसरी फिल्म के लिए दो गाने रिकॉर्ड किए हैं। उन्होंने पिछली दोनों दबंग फिल्मों के लिए तेरे मस्त मस्त दो नैन और नैना बड़े दगाबाज गाए थे। हर कोई इन गानों को रखना चाहता था और वो वास्तव में अच्छे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा, निश्चित रूप से अंत में सलमान खान को अपने देश के हितों को देखना होगा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि एक कलाकार के तौर पर उनके पास कोई विकल्प है और उन्होंने ऐसा परिस्थितियों को देखते हुए किया है। यदि राहत का गाना जारी किया जाता तो विवाद होता, फिल्म प्रभावित होती और कोई भी ऐसा नहीं चाहता, इसलिए हमने गाना रिलीज नहीं किया। ये खराब बात नहीं है, सलमान खान ने जानबूझकर गाना नहीं रिलीज किया। दिए गए समय में फिल्म इंडस्ट्री और देश की भावनाओं का सलमान खान ने केवल पालन किया है। वैसे देखा जाए तो राहत फतेह अली खान ही नहीं, सलमान खान ने आतिफ असलम के गाने फिल्म नोटबुक और फिल्म भारत से हटा दिए थे। वहीं बात करें दबंग 3 की तो इस फिल्म को प्रभु देवा ने डायरेक्ट किया है। सलमान के अलावा फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा, अरबाज खान, किच्चा सुदीप, साई मांजरेकर जैसे स्टार्स नजर आने वाले हैं और ये फिल्म 20 दिसंबर को थिएटर्स पर दस्तक देगी। वैसे अब इस पूरे मामले में आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जी आपके लेफ्ट में, यू नो, जैसा कि आपने अभी अभी बताया कि मुन्ना बदनाम ये गाना आने वाला है, हर किसी को इंतजार है क्योंकि मुन्नी बदनाम ये गाना बहुत ही हिट हुआ था एंड नाउ अब मुन्ना, सो कुछ प्रेशर है आपके ऊपर क्योंकि टी सीरीज के सारे गाने हिट होते हैं, सो इस मुन्ना बदनाम को लेकर कुछ प्रेशर है आपके ऊपर? ये पहले से ही ब्लॉकबस्टर है, आप जब विजुअल देखेंगे और जिस तरीके से गाना भाई ने करवाया, इट्स वेरी वेरी गुड। अलग किस्म का सेम गाना थोड़ी छापे हम लोग, अलग गाना बनाया, सिर्फ वो मुन्नी बदनाम कम मुन्ना बदनाम हुआ, गाना अलग है, टोटली अलग गाना है। सही जी, गुड लक आपके करियर के लिए। आपका फेवरेट एक्टर कौन है अगर आप हमें बता सकें? यहीं पे खड़े हैं बाजू में, ये यहाँ पे खड़े हैं, वहाँ पे बैठे हैं, वहाँ पे भी बैठे हैं, हाँ करेक्ट, और एक्ट्रेस भी वहाँ पे बैठी है माँ। ओके, जस्ट पास द माइक, हु एल्स? या कैन वी हैव द माइक, गो राइट देयर। प्रभु, प्रभु वनकम, इनसे भी तो पूछो इनका फेवरेट एक्टर कौन है। खामोश, எப்படி இருக்கறீங்க பிரபு? எப்படி இருக்கறீங்க? எப்படி இருக்கறீங்க? சௌக்கியமா தானே? நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு. ஓகே, who has dubbed Salman's character in Tamil Telugu? யார் டப் பண்ணுங்க? I'm still going on but I forgot the name. He's very good. In fact, I heard a little bit of the dubbing, so I was going to dub it. You were going to dub it? I was going to dub all the three languages. Oh. So I went to the recording dubbing studio to dub it, and I said one line in Tamil. So the person who was doing my dubbing said, "Very good, sir." Okay. Said again. So one more. No. Okay, sir. Okay. So I said, "Ye to language bahut simple hai, yaar." Then it went to him to check. He said, "Sir, what language you dubbed in?" I said, "But your guy saying okay. Now what to do? I'll do again." He said, "No, sir. You sounding like some foreign language only. I am from here. I'm not understanding you." So then we got a voice that was very close to mine to dub
the Tamil, then the Telugu, and the Kannada version. Salman, you like dubbing on your face? You like dubbing on your face? I like what? Dubbing on your face. I don't mind it if I can have someone singing for me on my face, to then dubbing. I just don't like people in my face. सलमान आपसे एक सवाल है अभी बात हुई स्क्रिप्ट की और हीरोइज्म की तो अगर बात करें टाइगर की और दबंग चुलबुल पांडे की तो दोनों भले एक अंडरकवर कॉप है एक पुलिस वाला है लेकिन दोनों जाबाज हैं दोनों देश के लिए करते हैं तो स्क्रिप्ट वाइज और एक्शन वाइज ज़्यादा डिफिकल्ट कौन है चुलबुल पांडे या फिर ये सवाल मैं नहीं आपको दूंगा ये सवाल आपको मिलेगा मेरे घुटनों से मेरे पीठ से मेरी गर्दन से मेरी कोनियों से मेरी पसलियों से ये जवाब आपको वो देंगे कि दोनों ही बड़े कठिन हैं One second, I'm just giving, yeah. Hi, Sai Tuna from Web Duniya. How are you? I'm good, how are you? आपको देख के अच्छा लग रहा है, you're looking very pretty. Thank you. क्या खाया आपने? Okay, आपसे ये जानना चाहूंगी, इसके पहले जब भी सलमान जी से आप मिलते थे, वो आपके घर पे सपोज आते थे आप, तो क्या नाम से पुकारते थे और क्या अब आपने उनको सलमान सर बोलना शुरू कर दिया है? मैं हमेशा से ही सलमान सर ही बुलाती थी उन्हें. और कितना कुछ चेंज आता है कि जब आप फिल्म इंडस्ट्री में एज एन एक्ट्रेस आती हैं तो रिलेशनशिप में सीनियर्स के साथ जो आपके पिताजी के दोस्त रहे हैं जी इतना चेंज नहीं आता क्योंकि मैं बचपन से उन्हें जानती हूँ तो हमारा रैपो वही है लेकिन चेंज तो नहीं आता हाय सलमान यो आपके राइट में सुहेल हाय कांग्रेचुलेशंस टू यू अरबाज एंड द एंटायर टीम द ट्रेलर इज सुपर्ब लाइक एक्सीलेंट You liked it? Yeah, definitely. So, you guys like the trailer? Yeah. Huh? Response diye nahi aap logon ne? Salman, jaise apne kaha ki Arbaaz nervous hote hai. Definitely, as a producer, as an actor, like thode nervous the dabang ke waqt. But aap bhi itne saal ho gaye. People are really very eagerly waiting for this film. To nervousness aapko bhi hota hai. Aur ya, aap bhi kitne eager hai us film ko lekar? I'm really excited for this film. I'm waiting for the 20th of December to come. And then more than that, also ke the fans hamari is film ko, you know, kitna appreciate karegi. That is the most important thing. Ke bahut sari, bahut mehnat gayi is film ke andar. Balki jitni mehnat Tiger mein gayi thi aur ek tha aur jitni bhi, you know, जो पहली फिल्म में जो मैंने की है उससे 10 गुना ज़्यादा मेहनत इस फिल्म में गई है और फ्रॉम द स्टोरी टू यू नो प्रोडक्शन टू डायरेक्शन टू एक्शन टू सॉन्ग्स टू द होल क्रिएटिव जर्नी टू एवरीथिंग इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट्स गॉन इन दिस फिल्म सोनाक्षी यू आर लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल यो या सोनाक्षी आपका एक डायलॉग था पहली फिल्म में थप्पड़ से डर नहीं लगता प्यार से डर लगता तो इस तरह का कोई डायलॉग इस बार भी हमें कुछ यू नो एक सिग्नेचर जो स्टाइल है आपकी वो जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा बट जब आप फिल्म एक नहीं काफी है बट स्प्रेड आउट वेल स्प्रेड आउट थ्रू द फिल्म मेरी कंप्लेंट यही थी अरबाज भाई से और प्रभु सर किससे कि ट्रेलर में नहीं डाला इस बार बट आप फिल्म में देख लेंगे हाय सलमान सरिता सिंह हियर आपको याद होगा जब दबंग नई आई थी ऑन अ लाइटर नोट दिस क्वेश्चन इज तब मैंने आपसे कहा था कि देश भर में जितने यूपी के पांडे पाठक मिश्रा द्विवेदी चतुर्वेदी ये तो सब लोग यहीं पे खड़े हैं हमारे साथ ही खड़े हैं वो सारे लोग जो है वो अपनी बेटियों की शादी चुलबुल पांडे के लिए रिश्ता भेजना चाहते हैं और मुझे अब तक आपको वो एक्सप्रेशन याद है जो एक्सप्रेशन आपने दिया था चुलबुल पांडे की तो शादी हो चुकी है और उनकी सुपर सेक्सी मिसेज यहीं पे खड़ी है उनके बगल में तो जो कि अभी भी उनकी हबीबी हैं तो अब बाकी लोगों को पंडितों को क्या जवाब देंगे आप जो अपनी बेटियों का रिश्ता भेज रहे थे उनके लिए क्या जवाब है आपके पास आप मुझे फॉरवर्ड कीजिए वो रिश्ते चुलबुल पांडे तो गए भाई हाँ। सलमान खान अवेलेबल है थैंक यू स्ट्रेट इन द मिडिल